दे फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल कानूज क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम इस तरह का इयररिंग बनाएंगे। ये हमने दो कलर से बनाया है, ऑफ वाइट और ब्राउन कलर से बनाया है, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। चलो हम इसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने ये ऑफ वाइट कलर का धागा लिया है और एक ब्राउन कलर का धागा लिया। ऑफ वाइट कलर के धागे के अंदर मैं इस तरह के ब्राउन कलर के ये बीट्स डाल लेती हूँ और अपने धागे को मैंने सुई में डाल लिया है। तो पहले हम अपने रिंग के ये जो हमने ऑफ वाइट कलर के तीन रिंग बनाई है वो बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम अपने 10 डबल नोट बनाते हैं। इस तरह इसमें हमने 10 डबल नोट बना लिए। अब हम इसमें ये तीन अपने बीड लेंगे, 3 बीड्स लेंगे और फिर वापस से इसमें हम 10 डबल नोट्स बना लेंगे। टेन डबल नोट्स हमारी बन गई हैं। अब अपनी रिंग को हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह हमारी एक रिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसी तरह से हम इसमें 2 रिंग और बना लेंगे, तो 3 रिंग बना के हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। जिस तरह से हमने अपनी फर्स्ट रिंग बनाई है उसी तरह से हम इसमें 2 रिंग और बना लेंगे। इस तरह हमने अपनी ये तीनों रिंग बना ली है। अब अपने दोनों थ्रेड को हम बिल्कुल फिनिशिंग से एडजस्ट कर देंगे इस तरह से। इसी तरह से हम अपने दूसरे थ्रेड को भी एडजस्ट कर देंगे और हमारी ये एक रिंग तैयार होगी है। इसी तरह से हम अपनी दूसरी रिंग भी तैयार करेंगे। तो हमारी एक रिंग तो ऑफ वाइट वाली तैयार हो गई है। अब हम अपनी ब्राउन वाली तैयार करेंगे। इसके अंदर हम धागा थोड़ा बड़ा ले लेंगे क्योंकि हमें बाद में इसमें सिलने के लिए चाहिएगा। कि मैंने ले लिया है। अब इसमें शुरू में हम इसमें 15 डबल नोट्स बनाते हैं। फिफ्टीन डबल नोट्स बनाने के बाद इसके अंदर हम एक पैकेट बनाएंगे। फिर वापस से हम इसमें 15 डबल नोट बना के अपनी रिंग को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह हमारी ये फर्स्ट रिंग बन गई है और इसी तरह से हम इसमें 2 रिंग और बना लेंगे। 15 डबल नोट, 1 पिकेट, 15 डबल नोट। इस तरह से जिस तरह से इसमें हमारी 3 रिंग बनी है, इसी तरह से इसमें भी 3 रिंग बना लेंगे। तो ये 2 रिंग और बना के मैं कंप्लीट करके ले आती हूँ। इस तरह हमने अपने ये ब्राउन वाली 3 रिंग्स बना के इसे कंप्लीट कर लिया। अब हम इनके ये एक जिसमें हमारा सुई के अंदर हमारा धागा रहता है उसे हम कट नहीं करते हैं। इस तरह से हमारी अब ये वाली तीनों रिंग लेते हैं और अपनी ऑफ वाइट वाली इस तरह से रखते हैं। इसको इसके अंदर से हम डाल लेते हैं। रिंग को इस तरह से रखेंगे कि इस तरह से आ जाए, बिल्कुल इनके सेंटर में आनी चाहिए ब्राउन वाली।
अब ब्राउन वाली की जो हमने पिकेट बनाई थी उस एक पिकेट से इस तरह से अंदर से हम सुई को डालेंगे और इसके निकाल लेंगे। इसी तरह से दूसरे में भी डाल लेंगे और इस तरह से तीसरे में डाल लेंगे। तीनों पिकेट में डालने के बाद अपने धागे को हम इस तरह से अंदर की तरफ इस तरह से हमारी ये तीनों एक जगह इकट्ठी हो जाती। अब इसमें हम पीछे की तरफ ले जाके इसमें एक बीड लगाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम एक इसमें जो हमने ऑफ वाइट के अंदर ब्राउन कलर के बीट लगाए थे वो एक बीट यहाँ पे हम लगा देंगे। अब इस सुई को हम इन दो ब्राउन रिंग के बीच में लेके जाएंगे इस तरह से। सेंटर में तो हमारा एक ये बीट लग गया है। अब ये दो रिंगों के बीच में हमारी यहाँ है तो यहाँ पे हम इसमें एक ये वाला पार लेंगे। ये हमारा 0 mm का पार लेंगे, इसे डालेंगे और एक हम इसमें ये किए शुगर बीट ले लेंगे और इसमें से शुगर बीट में से ना लेके वाइट वाले पार में वापस से हम अपने निडल को निकाल लेंगे और यहाँ से डालते हुए इसे अब दूसरी तरफ हम दूसरे ब्राउन के बीच में ले जाएंगे, ब्राउन रिंग के बीच में। इस तरह से हमारे दोनों के बीच में ये बिल्कुल फिट हो गया है। इसी तरह से इधर भी हम इसी तरह से लगा देंगे। अब जो हम नीचे की तरफ लगाएंगे यहाँ पे हम पहले एक वाइट बीट लेते हैं, इसमें एक छोटा साइज का बीट और लेंगे। दो साइज के हमारे हैं, फिर एक चीड़ लेते हैं शुगर बीट लेते हैं, उसके बाद एक ब्राउन कलर का 4 mm का ये एक बीट लेते हैं, फिर वापस एक शुगर बीट लेंगे। नीचे वाले शुगर बीट में तो नहीं निकालेंगे अपनी सुई को और सभी में से हम वापस एक बार निकाल लेंगे। इस तरह से हमारा ईयर रिंग तैयार हो गया। अब इसमें हम ईयर रिंग हुक लगा देते हैं। इस तरह से हमारे ये दोनों ईयर रिंग बन के तैयार हो गए।
अगर आपको मेरी इयरिंग की डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।